फेयर फाइल्स में आज देखिए एक बेरहम पति की दास्तान। देखिए किस तरह एक हंसता खेलता परिवार रातों रात एक अनजानी शक्ति का शिकार हो जाता है। ये राजीव और कामिनी की कहानी है। राजीव अपने परिवार के साथ लखनऊ के गुलमोहर अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है, पर अचानक उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या हुआ राजीव और कामिनी के साथ, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। हम इनके काम के सिलसिले में लखनऊ शिफ्ट हुए थे। गुलमोहर अपार्टमेंट में इनके बिजनेस पार्टनर का एक फ्लैट खाली था, तो उन्होंने हमें रहने के लिए दे दिया। मुझे वो जगह पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर धीरे धीरे मेरा शक सच्चाई में बदलने लगा। सुरुचि, दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। इतना सारा काम पड़ा है, पूरा घर सेट करना है, और कैसे होगा ये सब कुछ? और आप यहाँ बैठे बैठे क्या मुस्कुरा रहे हैं? सारा काम मुझे करना पड़ता है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अरे ये क्या बचपना है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कोई बचपना नहीं है, पकड़ो। ओके रेडी। अरे ये तो हमारी हनीमून की पिक्चर्स है, याद है या भूल गई? लेकिन ये आपको कहाँ से मिली? मुझे तो लगा कि ये एल्बम कहीं गुम गई थी। बस यही डब्बे में पड़ी हुई थी। अब घर चेंज करने का कुछ तो फायदा हुआ ना। बस कामिनी, एक बार ना मेरा यहाँ पे काम जम जाए, उसके बाद मालूम है मैं तुम्हें कहाँ पे लेके चलूंगा? कहाँ पे? हमारे सेकंड हनीमून पे। अच्छा? पापा। हाँ। आ जाओ बेटा, घर कैसा लगा आपको? मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आ जाओ बेटा। घर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नई जगह, इतने सालों से बंद पड़ी हुई थी। अरे बहू चिंता मत कर, शुरू शुरू में हर नई जगह अजीब सी लगती है, एक बार सेट हो गए तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे बाप रे राजीव, क्या हुआ? देख तो बहुत कौन जा रहा है। ये कैसे हुआ? एक मिनट आया। कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, और ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना, इनको मैं अनबॉक्स कर दूंगा। और हाँ, खाना भी मत बनाना, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अरे दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, वो मुझे बाहर डालेगा, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो, वो मुझे बाहर डालेगा, कोई तो मेरी मदद करो। राजी कहाँ है आप? हाँ बस आया। अजीब बात है, अभी तो आवाजें आ रही थी और अभी अचानक से बंद हो गई। हाँ सनी। और भाई राजीव कैसा है? सुना है तू लखनऊ आ गया है? हाँ बस आज ही पहुँचा हूँ। बढ़िया है, फिर तो पार्टी बनती है। मेरे पास इम्पोर्टेड विस्की की एक कमाल बोतल है, बोल ले आओ घर पर। सनी मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। अरे यार तू तो नाराज हो गया। अच्छा छोड़ शराब को, मुझे ना एक नए मसाज पार्लर का पता चला है। अरे भाई बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं वो लोग। तू कभी नहीं सुधरेगा, मुझे इन चीजों के लिए फोन मत करना। जी नमस्ते, मैं कुलभूषण हूँ। नमस्कार। हम आपके पड़ोसी हैं, आप कल ही यहाँ आए ना, तो सोचा आपसे मिलने आ जाएं। आप दो मिनट हमारे साथ बाहर आ सकते हैं? देखो राजीव,
यहाँ पर रात को 1:05 पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन आवाजों को सुनकर दरवाजा मत खोलना। यहाँ पर प्रेत आत्मा का वास है। क्या? प्रेत आत्मा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हंस रहे हैं? आपने बात ही कुछ ऐसी की है। खैर, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपका मजाक बनाऊं, लेकिन खैर छोड़िए ना इन सारी बातों को। आप लोग पहली बार आए हैं, घर आइए, चाय वगैरह कुछ लीजिए। जी नहीं, हम चलते हैं। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे वो लोग? कुछ भी नहीं, पड़ोसी थे, बस मिलने आए थे। अरे तुम अंदर बुलाना चाहिए था ना, चाय वगैरह के लिए पूछ लेते। अरे मैंने बोला था, लेकिन वो लोग जल्दबाजी में थे इसलिए चले गए। अच्छा मुझे काम है, मैं अभी आया। क्या भूल के गए ये लोग? क्या हुआ हीरोइन? घर आते तेरा मूड क्यों खराब हो गया? नहीं यार निशा, 1 बज गए। तुझे पता है इस समय हमारे बिल्डिंग में ना बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती है। रुक, मैं पापा को कॉल करती हूँ। बेटा कहाँ पर हो? सॉरी पापा, वो फोन साइलेंट पे था इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी हूँ। एक काम करो, तुम अभी नीचे ही रहना, अभी ऊपर मत आना। जी ठीक है पापा। चलना रिया प्लीज। निशा यार मजाक मत कर, देख मैं कह रही हूँ ऊपर जाना सेफ नहीं है, प्लीज तू बात सुन ले मेरी। चलना रिया। अरे यार निशा तू क्या कर रही है, प्लीज। मेरी बात सुन यार, देख खड़ी हो ले, अब आ गया मंदिर। कहाँ है तेरा बुद्ध बता? निशा प्लीज मेरी बात मान। हेलो मिस्टर बुद्ध। निशा क्या कर रही है तू? प्लीज बता रिया, कहाँ है तेरा बुद्ध? यहाँ पे सेफ नहीं है निशा, प्लीज बता कहाँ है। निशा तेरे पीछे। ये तो वही आवाज है जो मैंने उस दिन सुनी थी। ये फिर से मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जी मॉर्निंग अंकल।
अरे वाह, कितनी सुंदर हो। हाँ, अरे अरे कभी कभी हमारे घर भी आया करो ना। हाँ, अरे अरे क्या हुआ, डर गई? हाँ, अरे रानी बना के रखूंगा रानी। हाँ, लेकिन मेरी बीवी को मत बताना। हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ये क्या हो रहा है, इतना अजीब सा। बेटा, मैं सोच रही थी बनारस हो आऊं, गंगा मैया के दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया, तो एक काम कर दे, मेरी बुकिंग करा दे। जो बढ़िया, कितना खर्चा करवाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं पड़े रहे। क्या हुआ तुझे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ऐसे कोई बच्ची को मारता है क्या? चुप करो आप, इसकी हरकतें देखिए, बहुत बिगड़ गई है। अगली बार किया ना तो। क्या हो गया आपको, आप ऐसे की बात कर रहे, सब ठीक तो था? राजीव, क्या हुआ राजीव, आप चाय नहीं पी रहे, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ, चाय ठंडी हो गई क्या? खुद हाथ डाल के देख लो ना, गर्म है या ठंडी। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? I'm so sorry, कामिनी, ये मैंने क्या कर दिया, तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। तुम एक मिनट रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ उस पे लगाने के लिए। ये क्या हो गया इनको, कैसी अजीब अजीब हरकतें करने लगे, लगता है जैसे ये खुद अपने बस में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कितना गिरा हुआ आदमी है तू। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप, अब ये शराफत का नाटक मत कर। मुझे रिया ने सब कुछ बता दिया है कि तू किस तरह उसे गंदी गंदी निगाहों से देखता है। तो ये कैसी बातें करें भाई साहब आप, भला मैं क्यों आपकी बेटी को देखूंगा, आपको जरूर शायद कोई गलत फहमी हुई है। राजीव, कंप्लेन मेरे पास भी आई है, अच्छा यही होगा कि तुम अपना बर्ताव सुधारो। कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप लोग, कम से कम मेरे को अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिए, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो। देख, तुझे पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब किसी कोई गलती हुई तो सफाई पुलिस में ही देनी पड़ेगी तुझे, समझा? चलो। कमाल के लोग हैं, जबरदस्ती मुझ पे इल्जाम लगा रहे। अभी फ्री हो तो घर पे आ जाओ। अरे शर्मा क्यों रही हो, हा? अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, और तुम्हारे खूंसट बाप की चिंता मत करो, हा? उसको कुछ पता नहीं चलेगा। शर्म नहीं आती? बीवी बच्चे वाले होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो, तमीज कहीं का। मम्मी, कोई मैं साथ नहीं करता, सब बोलते हैं कि सुनती के पापा गंदे आदमी। पापा गंदे क्या? कहाँ मर गई थी? इतना समय लगता है दरवाजा खोलने में, चल जा पानी लेके आ, चलो जाओ।
पानी। कम से कम ठंडा पानी तो ले आती कामचोर। क्या है क्या ये? देख क्या रही है, साफ कर इसको। आपको तो ये शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजीव, आप शराब कब से पीने लगे? बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, हाँ बहुत जुबान चलने लग गई है। जितना पूछा जाए ना उतना बोला कर, समझे? रिया, अंदर नहीं बुलाओगे? नहीं, वो मम्मी पापा घर पर नहीं है तो अंकल आप प्लीज बाद में आइए। अंकल? कम ऑन रिया, मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को बड़े उम्र के आदमी पसंद है। छोड़ अब और नाटक मत कर, हट। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। राजीव क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसे। ये क्या हो गया इन्हें? हे भगवान मेरी रक्षा करना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरे पति नहीं हो सकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके पीछे कोई राज है? अचानक राजीव को कुछ हो गया था। उनका हंसता खेलता स्वभाव रातों रात बदल गया था। वो बहुत गुस्सा करने लगे थे, मुझे मारने पीटने भी लगे थे। पहले मुझे लगा कि बिजनेस के स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन फिर उनका एक और डरावना चेहरा हमारे सामने आया। राजीव, राजीव, अब आपको समझ में आया ना मुझ पर क्या बीती है? मुझे बचा लीजिए। कौन है, कौन है वहां? सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सबके सब मेरे खुशी के दुश्मन हो,
सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, माँ जी, तुझे भी मार डालूंगा, अब तू भी नहीं बचेगी। प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मम्मी को मारा है, अब मेरी जान के पीछे पड़े। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मार दूंगा तुम सब लोगों को, मार दूंगा मैं, खास करके तुम मार दूंगा। हट! ये तो गणेश की तरह हरकतें कर रहा है, जरूर गणेश की आत्मा है इसके अंदर। मैंने इन्हें पहले ही आगाह किया था। पहले ही आगाह किया था मतलब? ठीक, नमस्ते, हम आपके पड़ोसी हैं, आप 2 मिनट हमारे साथ बाहर आ सकते हैं? देखो राजीव, यहाँ पर रात को 1:05 पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन आवाजों को सुनकर दरवाजा मत खोलना। यहाँ पर प्रेत आत्मा का वास है। क्या? प्रेत आत्मा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हंस रहे हैं? आई मीन, आपने बात ही कुछ ऐसी की है। खैर, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपका मजाक बनाऊं, लेकिन खैर छोड़िए ना इन सारी बातों को, आप लोग पहली बार आए हैं, घर आइए, चाय वगैरह कुछ लीजिए। जी नहीं, हम चलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मुझे बचा लो, गणेश मुझे नहीं छोड़ेगा। कामिनी, कामिनी, राजीव, राजीव, क्या हो गया इन्हें? राजीव, उठाइए, उठाइए प्लीज। आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गणेश कहाँ पे रहता था? जी, गणेश तो इसी फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था, लेकिन अब तो फ्लैट बंद ही पड़ा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उसका राज ना उसी फ्लैट में छुपा होगा, मैं वो फ्लैट देखना चाहती हूँ। जी, उसकी चाबी तो मेन सिक्योरिटी के पास होगी, मैं आपको वो चाबी दिलवा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये खतरनाक भी हो सकता है। भाई साहब, सोचना क्या है, मेरे पति की जान खतरे में है, बस मुझे कुछ भी करके उन्हें गणेश की आत्मा से मुक्ति दिलानी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मदद कीजिए मेरी। जी, आई एम सॉरी, इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, चलो। भाई साहब, एक मिनट सुनिए बात। बच्ची को मारता है क्या? इसकी हरकतें देखिए, बहुत बिगड़ गई है। अब की बार किया ना तो। आप ऐसे की बात कर रहे हैं? ठीक तो समझे? छोड़ो राजी, क्या कर रहे, छोड़िए उसे। मुझे ये करना ही होगा, अपने परिवार के लिए, राजीव के लिए।
मार खाने से पहले अगर मुझे पैसा दे देती दारू पीने के लिए तो मैं तुझे नहीं मारता। क्यों क्यों मुझे मारने पर मजबूर करती है? देख, मैं दारू नहीं पीता हूं ना तो पागल हो जाता हूं। जल्दी जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे। कामिनी, मैं यहाँ पे सोफे पे कैसे सो रहा था? राजीव, I'm so sorry कामिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बात पे यकीन मानो, ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ राजी, मुझे सब कुछ पता है। I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप पे उस बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ कुछ नहीं होने दूंगी। कैसा फील कर रहे हो आप राजीव? कितना खतरनाक राक्षस है, फिर भी जानती हूँ पापा, लेकिन अब ये भी जान चुकी हूँ कि ये सब राजीव जी नहीं बल्कि वो गणेश कर रहा है। बेटा, इन सब चक्कर में मत पड़। माँ, उस दिन भी हमने यही गलती की थी। हमको क्या, हमको क्या कहकर अगर हर कोई अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो कल के दिन अगर हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद कौन करेगा? आज अगर कामिनी की जगह मैं भी होती तब भी तुम मेरी मदद नहीं करती। मैं कामिनी भाभी की मदद करूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। पर बेटा, दरवाजा खोलिए प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। दरवाजा खोलिए, मैं कामिनी हूँ। मेरे पति की जान को बचाइए प्लीज। पता नहीं उन्हें क्या। जान से मारा राजीव,
हम लोग गणेश को हरा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमें साथ मिलकर करना होगा। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को इस आत्मा से छुटकारा दिलवाइए। ज्योत्सना की जान तो आप लोग नहीं बचा पाए थे, उसी का पश्चाताप कर लीजिए। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। कामिनी भाभी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी। हाँ कामिनी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई है? सबको जान से मार डालूंगा। कामिनी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। I'm sorry, कामिनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ भी हुआ ये मैंने नहीं किया था। मैं जानती हूँ। इस सबके बीच में ज्योत्सना की आत्मा फंसी हुई थी, लेकिन जब हम सब ने मिलकर उसकी मदद की तो इस श्राप से उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। हाँ, कुछ समय जरूर लगा, लेकिन राजीव पहले जैसे वही हंसते खेलते रोमांटिक पति बन गए थे। वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। इस हादसे ने हमारे प्यार को और गहरा बना दिया है।